बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सरदार नासिर महमूद फ्रॉम इस्लामाबाद कॉलेज फॉर बॉयज़, दिस इज फ्री इस्लामाबाद। एंड टुडे इज अवर लेक्चर नंबर 20 फॉर वीक नंबर 9, हिस्ट्री क्लास 7। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है द ईस्टर्न फ्रंट। इसका टेक्स्ट आपकी बुक के पेज 46 पर है। हम चैप्टर बनू अमैया के हवाले से पढ़ रहे हैं, ये थर्ड चैप्टर है। बनू अमैया का इक्तदार मुस्लिम रियासत में वो 661 AD से स्टार्ट हुआ और 750 AD पर ख़त्म हो गया। 90 ईयर्स का इनका रूल था। ये खुलफाए राशिदीन के बाद इस्लामी रियासत बनु उमैया के अंडर आ गई। हजरत अमीर मुआविया वाज द फाउंडर ऑफ उमैया डायनेस्टी। इनके दौर में एक मेन फीचर थी कि इस्लामी रियासत जो थी वो ज़्यादा एक्सपेंड हुई, बहुत सारा एरिया उसमें शामिल हुआ, बहुत सारी कंक्वेस्ट हुई। तो लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि मुस्लिम जो है वो एनाटोलिया प्रेजेंट डे टर्की में कैसे गए और कॉन्स्टेंटिनोपल पर उन्होंने सेक किया बनू उमैया के दौर में। कॉन्स्टेंटिनोपल को सीज किया उन्होंने, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। लेकिन आर्मेनिया और ईस्टर्न एनाटोलिया और कुछ आइलैंड जो मेडिटेरेनियन सी के थे वो उन्होंने कंकर ज़रूर किए। तो पिछला टॉपिक हमारा एनाटोलिया के हवाले से था। अब हम जो है हमारा आज का टॉपिक जो है वो ईस्टर्न फ्रंट के हवाले से है। जो ईस्टर्न रीजन था, जो मुस्लिम एम्पायर थी, उससे ईस्ट वाला जो एरिया था उसमें बनू उमैया के दौर में क्या क्या एक्सपीडिशंस हुई, मिलिट्री एक्सपीडिशंस, और कौन कौन से एरिया जो है उन्होंने कंकर किए, वो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे द ईस्टर्न फ्रंट। ये उसका टेक्स्ट है, वेरी स्मॉल टेक्स्ट। हम इसको पढ़ेंगे फिर मैं इसको डिस्कस करता हूँ। ऑन द ईस्टर्न फ्रंट armies were sent to Khurasan and Sindh by Muawiya رضی اللہ تعالیٰ عنہ, later under Sultan Abdul Malik 685 AD to 705 AD. The Muslim army invaded Makran and Sindh in the subcontinent. In Central Asia, they conquered Bukhara, Samarkand, Khwarizm, फरगाना एंड ताशकंद। मैनी ऑफ दीज कंक्वेस्ट केम इन द टाइम ऑफ ग्रेट मुस्लिम जनरल कुतुबा बिन मुस्लिम। ये सेंट्रल एशिया की बात कर रहे हैं। हु वाज आल्सो द गवर्नर ऑफ खुरासान ड्यूरिंग द रेन ऑफ वलीद अब्दुल मलिक। रेन रूलिंग पीरियड जो था उसका, वलीद अब्दुल मलिक हैड बीन रूलिंग फ्रॉम 705 टू 715 AD, 10 ईयर्स। Another important conquest during the time of Caliph Walid was of Sindh. Muhammad bin Qasim conquered Sindh in 711 AD or 712 AD. This marked the beginning of the Muslim rule in the subcontinent. जिस तरीके से जो आर्मी सीरिया में थी वो बनू उमैया के दौर में बाइजेंटाइन एम्पायर के साथ और नॉर्थ फ्रंट के ऊपर एनाटोलिया में मसरूफ थी, इजिप्ट वाली आर्मी अफ्रीका में और यूरोप में मसरूफ थी, जो इराक में मेजर आर्मी थी और मिलिट्री थी वो मसरूफ थी ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर। और ईस्टर्न फ्रंट में हजरत अमीर माविया हुआ द फाउंडर ऑफ बनू उमैया डायनेस्टी, उन्हीं के दौर में खुरासान और सिंध की तरफ भी एक्सपेडिशंस भेजी गई थी। लेकिन रियल कंक्वेस्ट जो थी, असल फतवास स्टार्ट हुई सुल्तान अब्दुल मलिक के दौर में और उसके बाद उसके बेटे वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में। सुल्तान अब्दुल मलिक जो था बिन मरवान, वो अबाउट रफली 20 ईयर ही हैड बिन दी कैलिफ ऑफ मुस्लिम्स। उसके बाद उसका बेटा सुल्तान वलीद बिन अब्दुल मलिक हैड बीन रूलिंग फॉर फर्दर 10 ईयर्स।
सुल्तान अब्दुल मलिक के दौर में द मुस्लिम आर्मी उन्होंने इन्वेड किया मकरान में और सिंध में, लेकिन वो उस वक्त जो है वो सिंध को फतह नहीं कर सके। बाद में वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में सिंध को फतह किया गया। पहले सेंट्रल एशिया की बात कर लेते हैं। सेंट्रल एशिया में मुस्लिम ने प्रेजेंट डे बड़े मशहूर सिटी हैं बुखारा, समरकंद, ख्वाजम, फरगाना, ताशकंद, इनको उन्होंने कंकर किया। अब ये एरियाज कहाँ कहाँ पर है ये स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ। बुखारा, समरकंद, ताशकंद एंड फरगाना और इन प्रेजेंट डे उज़्बेकिस्तान। सेंट्रल एशिया में से 6 मुस्लिम कंट्रीज हैं। ये सेंट्रल एशिया का रीजन है, ये वाला पाकिस्तान से नॉर्थ की तरफ है, ये सेंट्रल एशिया का। 6 मुस्लिम कंट्रीज हैं जो 1990 में रशिया से, सोवियत यूनियन से आजाद हुए। ये बनू उमैया के दौर में इस्लामिक एम्पायर का, इनमें से ज्यादातर एरिया इस्लामिक एम्पायर ने कंकर कर लिया था। जिन सिटीज का या एरिया का जिक्र है, बुखारा, समरकंद, ताशकंद और फरगाना, ये उज़्बेकिस्तान में है आजकल। आजकल उज़्बेकिस्तान जो कंट्री है, मुस्लिम कंट्री ऑफ सेंट्रल एशिया, ये पांचों चारों सॉरी जो एरियाज मेंशन किए गए हैं वो आजकल प्रेजेंट डे उज़्बेकिस्तान में है। बुखारा, समरकंद, ताशकंद तो बहुत मशहूर शहर है। ये फरगाना वही जगह है या वही स्टेट थी जो जहीरुद्दीन बाबर जहाँ का रूलर था और बाद में वो काबुल की तरफ उसने मूव किया, अफगानिस्तान के एरिया को फतह किया और फिर इंडिया में मुगल एम्पायर की बुनियाद उसने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के बाद डाली। तो ये चारों मशहूर एरिया जो हैं वो प्रेजेंट डे उज़्बेकिस्तान है, जहाँ मैं हैं, जहाँ मेरा कर्सर जो है ये अभी ये देखें ये घूम रहा है ये जगह। खुरासान का भी जिक्र आया है कि मुस्लिम ने खुरासान की तरफ एक्सपेडिशन भेजी और खुरासान को फतह किया और कुतुबा बिन मुस्लिम जो था वो खुरासान का ही गवर्नर था। खुरासान प्रेजेंट जो है वो ईरान का एक सूबा है, ठीक है। ये आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये ईरान का बॉर्डर है, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से अफगानिस्तान शुरू हो जाता है। तो इस सूबे का नाम खुरासान है, लेकिन हिस्टोरिकली खुरासान एक बड़े रीजन को कहा जाता था जिसमें जो अफगानिस्तान भी था और ईरान भी था, ये तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का भी कुछ एरिया जो है इसमें आता था। इस बड़े रीजन को खुरासान कहा जाता था, लेकिन आज का खुरासान जो है ये ईरान का, ये नॉर्थ ईस्ट का जो प्रोविंस है इसको खुरासान कहा जाता है। इस सारे रीजन को इंक्लूडिंग मोस्ट ऑफ द अफगानिस्तान ग्रेटर खुरासान कहा जाता था। पाकिस्तान तक इसके बॉर्डर जो है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान तक इसके बॉर्डर आते थे। ये आपको पता चल गया बुखारा, समरकंद, यहाँ से इराक की तरफ से ये जो मुस्लिम फोर्स थी कुतुबा बिन मुस्लिम की, उसको खुरासान का गवर्नर जो है वो मुकर्रर किया गया, तो उसने इस रीजन की तरफ मूव किया। फिर सेंट्रल एशिया की तरफ उसने मूव किया। सेंट्रल एशिया में उसने बुखारा, समरकंद और ताशकंद और फरगाना को उसने कंकर किया। एक और रीजन का जिक्र है जिसका ख्वारज्म रीजन। ख्वारज्म रीजन क्या है ये मैंने दूसरी जो मैप है इसमें आप देखें कि ये वाला, ये कैस्पियन सी है, मैंने पहले भी आपको बताया था, दुनिया की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक समंदर है, ये क्लोज समंदर है। दूसरे जो एक बड़ा समंदर है उससे इलाजा एक क्लोज स्मॉल सी है, उसके साथ ये वाला जो एरिया है, ये वाला जहाँ पर मेरा कल्सर घूम रहा है सेंट्रल एशिया में, इसमें तुर्कमेनिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, काजिकिस्तान का एरिया है, ये सारा एरिया जो है
ये ख्वारज्म कहलाता था, और बाद में ये सेकंड मैप में आप देखें, बाद में इस सारे एरिया में सुल्तान ऑफ ख्वारज्म ने बड़ी एम्पायर की या बड़ी स्टेट की बुनियाद रखी थी। और इस तरफ ये मैप बाद का है, हम डिस्कस कर रहे हैं ना 8th सेंचुरी को, 8th सेंचुरी AD को, ये 12th सेंचुरी और 13th सेंचुरी की बात हो रही है, जब इधर हिंदुस्तान में घोरी सल्तनत कायम थी और इधर सेंट्रल एशिया में ख्वारज्म सल्तनत जो थी वो कायम थी। तो ये आप देख रहे हैं कि इस तरफ जो कैस्पियन सी के इस तरफ वाला एरिया है, ये सारा ख्वारज्म जो है वो स्टेट कहलाती थी या ख्वारज्म सल्तनत कहलाती थी। तो ये सारे रीजन जो थे, बुखारा, समरकंद, ताशकंद, फरगाना, खुरासान एंड उज्बेकिस्तान, ख्वारज्म, काजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये एरिया सेंट्रल एशिया का और ईस्टर्न फ्रंट इसको कहा जाता था। ये इराक में जो आर्मी थी बनू उमैया के दौर में, जिसका उस वक्त सरबराह कुतिबा बिन मुस्लिम था, ही वाज ए वेरी फेमस मिलिट्री कमांडर, गवर्नर एंड मिलिट्री जीनियस, उसने इन एरियाज को फतह किया था। इसके बाद ये तो सेंट्रल एशिया की खुरासान की कंक्वेस्ट हो गई। अब आ जाते हैं साउथ एशिया पर। अब सुल्तान अब्दुल मलिक के दौर में भी यहाँ सिंध में और मकरान की तरफ, मकरान वो रीजन है बलूचिस्तान का जो कि समंदर के साथ साथ जो रीजन लगता है और ईरान में जाकर दाखिल हो जाता है, तो इस तरफ से एक्सपेडिशन भेजी। इससे पहले अमीर मुआविया के दौर में भी एक्सपेडिशन भेजी गई थी, लेकिन दे कुड नॉट कंकर सिंध। वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में जो इजाज बिन यूसुफ था, ही वॉज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट मिलिट्री कमांडर ऑफ बनू उमैया, उसने इजाज बिन यूसुफ का एक नेफ्यू था जिसका नाम मोहम्मद बिन कासिम था, एंड ही इज आल्सो रिगार्डेड एज अमादुद्दीन। तो मोहम्मद बिन कासिम ही वॉज ए 17 ईयर ओल्ड यंग मैन, तो उसकी सरबराई में, उसकी कमांड में एक आदमी भेजी गई सिंध में। सिंध और उसके आसपास जो एरियाज थे उस वक्त, उस वहां पर एक हिंदू राजा दहर जो है था वो हुकूमत करता था। उसने, उसके आदमियों ने या उसकी पुश्त पनाही पर एक शिप मुस्लिम का, वो कजाक जो थे उन्होंने जो है उसको लूट लिया, विमेन्स को कैप्टिव बना लिया, बच्चों को। तो ये खबर जब बजाज बिन यूसुफ तक पहुंची तो उसने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध की तरफ रवाना किया। मोहम्मद बिन कासिम इंटर सिंध वाया मकरान 712 में, और 712 में जब वो मकरान में आया तो उसने मकरान से होते हुए जब वो सिंध में दाखिल हुआ, ये यहाँ से आप इस मैप में देख सकते हैं कि ये मकरान वाला एरिया है, यहाँ से इस तरफ प्रेजेंट डे सिंध है, तो इस तरफ जो आया ये मकरान वाला एरिया, ये वाला, ये प्रेजेंट डे सिंध में आया, तो उसने राजा दहर को यहाँ पर शिकस्त दी, और प्रेजेंट डे पाकिस्तान में या उस वक्त का जो हिंदुस्तान था उसमें पहली मुस्लिम रूल की बुनियाद रखी। और उस वक्त सिंध के साथ उसने मुल्तान तक का एरिया जो है वो फतह करके उसको बनू उमैया की रियासत में शामिल कर दिया। तो ये एक मेजर अचीवमेंट थी वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में कि मुस्लिम मूव टुवार्ड द एरिया ऑफ प्रेजेंट डे पाकिस्तान। इससे बरेसगीर में मुस्लिम रूल की जो थी वो बुनियाद रखी गई, स्टार्ट हुआ। बाद में सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान के ऊपर बहुत सारे अटैक किए, बट उसने यहाँ पर कोई रियासत या रूल कायम करने की कोशिश नहीं की। बाद में सुल्तान शाहबुद्दीन गोरी ने किए अफगानिस्तान से आकर,
तो उसके फिर स्लेव ने यहाँ पर 1206 में हिंदुस्तान को फतह करके मुस्लिम रूल की बुनियाद रखी, जिसको स्लेव डायनेस्टी कहते थे। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फर्स्ट रूल। कुतुबा बिन मुस्लिम ही वॉज बॉर्न इन 669 एंड डाइड इन 715 AD। तकरीबन यंग एज में ही उसकी डेथ हो गई। ही वॉज बॉर्न इन बसरा इराक एंड ही वॉज द गवर्नर ऑफ खुरासान एंड कंकरर ऑफ सेंट्रल एशिया। जब वलीद बिन अब्दुल मलिक की डेथ हो गई, जो खलीफा था, सुलेमान आ गया, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, तो उसके कुतुबा के साथ क्लैशेस थे। कुतुबा ने रिबिलियन कर दी, बगावत कर दी, और बाद में कुतुबा जो था इसको किल कर दिया गया। ये स्लाइड जो है मोहम्मद बिन कासिम के हवाले से है, और इसका नाम जो है वो मोहम्मद बिन कासिम यहाँ लिखा नहीं गया, मोहम्मद बिन कासिम। ये मोहम्मद बिन कासिम फातेह सिंध था, और मुल्तान को भी उसने फतह किया इसके दौर में, वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में। ये एजाज बिन यूसुफ सकफी का नेफ्यू था, और वेरी यंग एज 17 ईयर में ये इस को कमांडर बनाया गया, और इसने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनपुट दी, और यहाँ पर मुस्लिम रूल जो है वो कायम किया, राजा दैत को शिकस्त दी। अगेन जिस तरह कुतुबा बिन मुस्लिम के साथ हुआ, मोहम्मद बिन कासिम वॉज ऑल्सो आस्क्ड टू रिटर्न बैक, ये वापस गया, और कुछ अरसे के बाद इसकी वेरी यंग एज में इसकी डेथ हो गई। ही वॉज जस्ट 20 ईयर्स और 21 ईयर ओल्ड व्हेन ही डाइड। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने कि जो ये इकदाम थे कि जो उसके वो समझता था जानशीनी के और खिलाफत के आपस में भाइयों में इख्तलाफात थे, और वो ये समझता था कि ये वाले जनरल जो थे कुतुबा बिन मुस्लिम, मूसा बिन नसैर और मोहम्मद बिन कासिम, ये उसके मुखालफिन हैं, लिहाजा उसने इनके साथ कोई अच्छा सलूक, ये बड़े मुस्लिम जो है वो फाते थे, हीरो थे, बट सुलेमान बिन अब्दुल मलिक did not behave well with them. Okay, students, आज के टॉपिक में हमने मेन जो चीजें डिस्कस की वो ईस्टर्न फ्रंट हमारा टॉपिक था, और जो चीजें हमने डिस्कस की कि मुस्लिम एंटर्ड अटैक इन सेंट्रल एशिया एंड दे कंकर्ड मैनी वैल्यूएबल प्लेसेस एंड रीजन्स, खुरासान, ताशकंद, समरकंद, बुखारा, फरगाना, ये सारे रीजन उन्होंने फतह किए, और उस वक्त मेन क्रेडिट जो है दैट गोज टू कुतुबा बिन मुस्लिम एंड कुतुबा बिन मुस्लिम एंड आल्सो द कैलिफ ऑफ मुस्लिम एट दैट टाइम हु वाज वलीद बिन अब्दुल मलिक। सिंध की फतह और मुल्तान की फतह भी मोहम्मद बिन कासिम के हाथों वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में हुई थी। कुतुबा बिन मुस्लिम और मोहम्मद बिन कासिम को हमने डिस्कस किया कि ईस्टर्न फ्रंट पर ये दो वेरी पॉपुलर कैपेबल मिलिट्री जीनियस थे, जिन्होंने एनिमीज को शिकस्त दी और बनू उमैया के जो एरिया था उसको और ज़्यादा एक्सपेंड किया। वलीद बिन अब्दुल मलिक के बाद उसका भाई सुलेमान बिन अब्दुल मलिक जो है वो रूलर बना, लेकिन उसने मुस्लिम सीरों के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया। स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 20 की एक्टिविटी ये है कि पेज 46 की आपने रीडिंग करनी है। मोहम्मद बिन कासिम और कुतुबा बिन मुस्लिम के बारे में अगर आपको यूट्यूब से
नेट से मटेरियल मिलता है, तो उनको ये एक्सटेंसिव स्टडी करें, क्योंकि ये हमारे इस्लामिक हिस्ट्री के हीरोज हैं जिन्होंने मुस्लिम स्टेट में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की है। फिर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आंसर जो है इस टॉपिक में मौजूद है। हु वर द फेमस मुस्लिम जनरल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वलीद बिन अब्दुल मलिक? वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में कौन कौन से फेमस मुस्लिम जनरल थे, तो उसको हम देख लेते हैं कि कौन कौन से थे और उसका आंसर आपने कैसे लिखना है। फर्स्ट जो है कुतिबा बिन मुस्लिम, आपने आंसर इस तरह से लिखना है द फेमस मुस्लिम जनरल ड्यूरिंग द रेन ऑफ वलीद बिन अब्दुल मलिक वर एज अंडर, उसकी रैन लिख लेनी है कि 705 से 715 तक। तो एक कुतुबा बिन मुस्लिम हो गया, इसके बारे में लिखना है कि ही वॉज द गवर्नर ऑफ खुरासान एंड ही वॉज द कंकरर ऑफ सेंट्रल एशिया, बस इतना सारा कंटेंट काफी है। फिर मोहम्मद बिन कासम वॉज कमांडर ऑफ मुस्लिम फोर्स वो अटैक्ड ऑन सिंध एंड मुल्तान एंड कंकर्ड 1877 12 AD। ये दो हो गए। बाकी इसके अलावा मूसा बिन नुसैर जो के कंकरर ऑफ उंदलस कहलाता है, कंकरर ऑफ यूरोप कहलाता है, उसका उसको भी मेंशन करना है। तारिक बिन ज़ियाद हु इज आल्सो द कंकरर ऑफ स्पेन। तो ये चार मशहूर जो है वो पॉपुलर कमांडर थे मुस्लिम फौज के, जो के वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में उन्होंने फतवाहत की। कुतिबा बिन मुस्लिम, मोहम्मद बिन कासम, मूसा बिन नुसैर एंड तारिक बिन ज़ियाद, ये इनके बारे में हम अफ्रीकन जो फ्रंट है उसमें पढ़ेंगे। कुतिबा और मोहम्मद बिन कासम के बारे में इस चैप्टर इस टॉपिक में हमने पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन जो है आपने आज ही करना है, ये वाला दो ये कमांडर लिखने हैं और दो जो है वो अफ्रीका के जो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे उनको लिखना है। ओके स्टूडेंट, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज।